एवरीवन, जादौन इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, बिल्कुल बास्केट जैसी क्रीमी क्रीमी। ये घर पर ही बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर गाइस आपने एक बार इस आइसक्रीम को घर पर बनाकर खा लिया तो आप मार्केट की खाना भूल जाएंगे। चलिए हम मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें आधा लीटर फुल क्रीम दूध डालकर गैस ऑन कर देंगे। दूध में मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है और ये साइड से जो मलाई दिख रही है इसे भी हम चलाकर इसी में मिलाएंगे। अब हम इसमें से 2 से 3 चम्मच दूध अलग से निकाल लेते हैं। अब हम दूध में 4 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे और दूध को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल जाए। जब हमने ये एक कटोरी में दूध निकाला है उसमें हम 4 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसका एक मिक्स तैयार करेंगे और इसे दूध में डालते हुए चलाएंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में दूध गाढ़ा होने लगेगा। आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और साथ ही हमने एक पका हुआ आम लिया था, इसके पीसेस कट कर लिए हैं और अब इसे भी जार में डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अब हम इसमें 4 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। मैंने घर के ही दूध की फ्रेश मलाई ली है, चाहे तो इसमें मार्केट की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मलाई को आइसक्रीम में ऐड करने से बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार होती है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ज़्यादा ब्लेंड ना करें वरना मलाई ऊपर आ जाएगी। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें आइसक्रीम जमाएंगे। मैंने ये एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, इसे एक टिफ़िन बॉक्स में या आप किसी भी बर्तन में जिसमें आइसक्रीम जमाना चाहते हैं उसमें से डालेंगे और 2 से 3 बार टैप करेंगे। ढक्कन को अच्छे से बंद करके 3 से 4 घंटे के लिए सेमी फ्रिज होने देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम थोड़ी सी जम गई है। अब हम इसे एक चम्मच से जगह जगह से प्रेस करेंगे और इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी बनके तैयार होती है। देख सकते हैं आप, मैंने इसे दोबारा से ब्लेंड कर लिया है। अब हम फिर से इसी बॉक्स में डालेंगे और 2 से 3 बार दोबारा से टैप करेंगे। हम ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। मैंने यह बादाम को काट कर लगाया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं लगा सकते हैं। अब हम इसे एक बटर पेपर या फॉइल पेपर आपके पास जो भी हो उससे सरफेस को टच करते हुए लगाना है। मेरे पास ये एक मैगी का पैकेट की पॉलीथीन है। मैंने इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे लगा दिया है। पेपर या फॉइल पेपर लगाने से इसमें बर्फ़ की परत नहीं जमती है, बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। अब हम इसे फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए जमने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं आप, हमने आइसक्रीम को ओवरनाइट जमने के लिए रखा था। आइसक्रीम हमारी जम करके तैयार है, इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं नमी है। चलिए अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बन करके तैयार है। कैसी लगी गाइस आपको ये मेरी मैंगो आइसक्रीम रेसिपी? अगर गाइस आपको मेरी मैंगो आइसक्रीम रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई।